और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने से हुए हादसे में शहीद हुए झुंझुनू के डांगर गांव के सितेंद्र सिंह की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। नेवी जवान सितेंद्र सिंह के बड़े भाई मनेंद्र सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पार्थिव देह के चिड़ावा पहुंचने पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद सितेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। अंत्येष्टि स्थल पर शहीद सितेंद्र सिंह को पुलिस और सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये जो है झुंझुनू की जो धरती है वो बलिदानियों की धरती है। आप देखते होंगे कि किसी भी ऑपरेशन में हमारे यहाँ का एक लाल जरूर देश का नाम, हमारी धरा का नाम रोशन करता है। ये जो आज नौसैनिक शहीद हुआ है, ये नौसैनिक भी अपने जहाज को बचाते बचाते और इसने अपने सर्वस्व कुर्बान किया। ये झुंझुनू शहीदों की धरा है, सैनिकों की और वीरों की धरा है। यहाँ के कण कण में शौर्य बिखरा पड़ा है। सूरजगढ़ विधानसभा के दो जवान शहीदों कुछ दिन पहले शहादत को हम भूले नहीं, और आज सत्येंद्र साखला जो देश की सेवा करते हुए शहादत जिनकी हो गई, उनको अंतिम विदाई नम आंखों के साथ और गौरवपूर्ण हृदय के साथ हमने दी। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश भले ही गर्मी से राहत दे रही है, लेकिन बारिश के बाद जलजमाव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरें हैरान करने वाली। इस रिपोर्ट में देखिए अलग अलग जगहों के हालात। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। घरों में घुस रहा है बरसात का पानी। दौसा में भारी बारिश के चलते गिरा मकान। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। मॉनसून ने एक तरफ गर्मी से राहत दी है, वहीं रोजमर्रा के जीवन को मुश्किल कर दिया है। तस्वीरें टोंक के उनियारा की है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, खेत, सड़क, हर जगह पानी ही पानी है। लोग बेबस हैं। मकानों में पानी भरने से जीवन मुश्किल हो गया है, आरोप नगर पालिका प्रशासन पर लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दौसा से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां भारी बारिश के चलते एक मकान गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त मकान गिरा उस वक्त मकान मालिक घर पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। दौसा में पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है, कई घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे निचले इलाके पूरी तरह लबालब हो चुके हैं, खेत खलियान भर चुके हैं, सड़कें दरिया बन चुके हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये कलेक्ट्रेट का सूचना केंद्र का ऑफिस है, जिसके बगल की पूरी जो जगह है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और जितने भी ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये आधे पेड़ पौधे यहाँ पर डूब चुके हैं। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें ना केवल सूचना केंद्र के बाहर की हैं, बल्कि दौसा शहर की इसी तरह की तस्वीरें हैं। क्योंकि दौसा में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 197 mm बारिश हुई है, यानी कुल मिलाकर करीब 8 इंच बारिश दौसा में दर्ज की गई है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, करौली और धौलपुर में तेज बारिश हो सकती है, जबकि चूरू, हनुमानगढ़ समेत जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़कर बाकी जिलों में हल्की बारिश होगी। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहां भी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन जलभराव की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। कोटा में भी करीब एक घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दी, लेकिन यहां भी जल जमाव की परेशानी ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। कोटा और आसपास के इलाकों में शुरू हुई है मूसलाधार झमाझम बारिश। बीते एक घंटे से बारिश का सिलसिला चल रहा है। काले घने बादलों की वजह से सुबह हल्का सा जो अंधेरा है वो छा गया है, जिसके साथ सड़क पर चलने वाले वाहनों को अपनी हेडलाइट
जलारी पड़ रही है। एक घंटे की बारिश के साथ ही शहर की सड़कों पर पानी आने लगा है, तो तेज गर्जना के साथ में बारिश, मूसलाधार बारिश कोटा और आसपास के इलाकों में चल रही है। मौसम विभाग की तरफ से हैवी रेन का जो अलर्ट है वो पहले ही जारी था, और फिलहाल देख सकते हैं आपकी कोटा की सड़कों पर आपको पानी जो है वो नजर आएगा। करौली में तो मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई, पुलिया जो है वो बह गई। करणपुर में टोडा गांव से आगे मंडराल मार्ग पर पुलिया की सपोर्ट दीवार गिर गई। वार्ड नंबर 4 में पिछले साल जिला परिषद के पीछे राजपुर घाट तक बनाई गई सीसी रोड तेज बारिश में बह गई। वहीं अरौरा गांव के पास बरसाती नाले से मिट्टी का कटाव होने से 33 केवी विद्युत पोल टूट गया। अलवर में भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रूपारेल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश के बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूपारेल नदी है जो कि हमारे सरिस्का के पहाड़ों से निकलती है, आज वर्षा के कारण उफान पर है, और आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जो राहगीर खड़े हैं, दोनों तरफ से यातायात बाधित हो गए हैं। पानी ज्यादा आ रहा है, दोनों तीन बगल को ये साधन भी बंद हो रहा है। दुनिया ये जनता है जो परेशान हो रही है इसमें, और भी नहीं घड़ा भी नहीं तो इसको पक्का खुड़ावानी करे जो पानी रुके जनता निकलती रहे। गंगापुर सिटी में भी हालात अच्छे नहीं है। यहाँ मूसलाधार बारिश से इलाके के लोगों को जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले का पानी घरों और दुकानों में भर गया, जिसके चलते लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट है। ऐसे में एक तरफ जहां बारिश राहत बनकर के आ रही है, वहीं साथ ही साथ आफत भी ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। अगले महीने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इसे लेकर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जारी किए गए कैलेंडर में चुनाव होने का भी जिक्र है। छात्र संघ चुनाव को कैलेंडर में शामिल किया गया है, और मामले में पहले भी कमिटी गठित की गई थी सरकार की तरफ से। अब सिर्फ तारीखों का ऐलान होना बाकी है। लवली हमारे साथ जुड़ चुके। लवली, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए और जो अलग अलग लोग मांग कर रहे थे कि छात्र संघ चुनाव हो, सभी के लिए बड़ी राहत की खबर। देखिए, अभी इस बात का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ये एकेडमिक कैलेंडर हर साल जारी होता है, इस बार एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है, और इसमें सरकार की अनुमति के बारे में लिखा गया कि सरकार की अनुमति के बाद में जो है वो तारीखों का ऐलान जो है वो किया जाएगा। हालांकि अपने आप में विभाग खुद सरकार है, और विभाग जो है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो अब जो कमेटी की रिपोर्ट आने वाले समय में आएगी उसके बाद में तारीखों का ऐलान कब करता है, कैसे करता है, कब तक करता है, तो इन तमाम चीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तय हो गई है इस कैलेंडर के बाद में कि राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव केवल स्थगित हुए हैं, बंद नहीं किए गए हैं, और चुनाव जो है वो एकेडमिक कैलेंडर के अंदर शामिल हैं। जी, और अब इस कैलेंडर के जारी होने के बाद लवली, निश्चित तौर पर सरकार की के लिए जो मांग लगातार की जा रही है, सरकार से जो मांगे की जा रही हैं कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए, वो मांग और भी ज्यादा तूल पकड़ेगा आप? देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता प्रियंका, क्योंकि आप देख रही हैं पूरे प्रदेश भर लगातार जो छात्र यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में अब ये मांग और जोर पकड़ेगी और सरकार को पर प्रेशर बनाया जाएगा कि तारीखों का ऐलान भी किया जाए। लेकिन सरकार ने कमेटी की गेंद, कमेटी के पाले में गेंद है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद में ये तय होगा, और अगर कमेटी अगर सही रिपोर्ट देती है और सरकार को लगता है कि ये माहौल ठीक है राजस्थान में चुनाव छात्र संघ के चुनाव कराने का, तो जाहिर तौर पर राजस्थान में जो राजनीति की पहली सीढ़ी है छात्र संघ चुनाव, उस पर जो रोक है अघोषित रूप से जिसे कह सकते हैं स्थगित हुए हुए हैं, वो बंद नहीं है, स्थगित है, और ऐसे में उनकी राह खुलेगी और वापस से जो नई राजनीति की कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत की बात है लवली, सभी छात्र संगठनों के लिए। ये कैलेंडर जारी होने के बाद किसी से बातचीत हो पाई क्या आपकी, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, छात्रों में इस बात की खुशी है कि सरकार ने अपना स्टैंड तो क्लियर किया है, क्योंकि सरकार ने बार बार कह रही थी कि हमने चुनाव को बंद नहीं किया है, केवल स्थगित किया है, और ये चुनाव स्थगित भी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने ही किए थे। तो ऐसे में मौजूदा सरकार मौजूदा फील्ड की स्थितियों का अवगत करा रही है, नई शिक्षा नीति को लागू करना है यूनिवर्सिटीज के अंदर, शैक्षणिक माहौल को सरकार बेहतर बनाना चाहती है, तमाम बिंदु हैं जिन पर सरकार अभी काम कर रही है, और हाल ही में डॉक्टर प्रेमचंद बिरवाजू का हायर एजुकेशन छात्र संगठनों को इंतजार होगा कि सरकार कब तक तारीखों का ऐलान करे, आगे सरकार का क्या रुख रहता है इस पर यह देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका लवली, तमाम जानकारियों के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंद जिम्मेदार सरकार के जन कल्याणक के अभियान में पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, ऐसी एक हैरान करने वाली रिपोर्ट राजसमंद से आई है। नाली निर्माण में भ्रष्टाचार अपार, 6 महीने बाद ही दावे हुए तार तार, विधायक की लताड़ के बाद भी नहीं जगे जिम्मेदार, जीर्णोद्धार बना कमाई का अवसर। भ्रष्टाचार की नींव पर होने वाले निर्माण की हालत परेशान करने वाली होती है। जी हाँ, सरकारी निर्माण में किस तरह भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती जाती है, इसका जीता जाता उदाहरण है राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र के धोइंदा में हो रहा नाला निर्माण। करीब 80 लाख रुपए की लागत से बना नाला निर्माण के 6 महीने बाद ही आसपास के क्षेत्र के लिए परेशानी का सबब बनने लगा है। आप खुद देखिए किस तरह नाले का गंदा पानी चारों ओर फैल रहा है। भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की शिकायत पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी की फटकार के बाद भी संबंधित अधिकारी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे, इसीलिए जीर्णोद्धार में भी खाना पूर्ति की जा रही है। सब टेंडर किसी मांगीलाल जी टांग को दिया है। जो हमारे जो धोइंदा स्कूल की जो कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें मांगीलाल जी ने रिकॉर्डेड कहा है कि इस नाले का पानी, ग्राउंड का पानी भी नाले में जाएगा और नाले का लेवल भी सही होगा और जो नाले में सामग्री इस्तेमाल की जाएगी गुणवत्ता युक्त होगी, लेकिन उन्होंने जो सारी बातें कही वो बिल्कुल ही झूठी थी। धोइंदा के कैलाश चौराहे से भीलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग तक करीब 80 लाख रुपए से डीएमएफटी फंड से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल धोइंदा परिसर के अंदर से नाले का निर्माण कराया गया है। उस समय तर्क दिया गया था कि स्कूल की नई इमारत में पानी रिसाव की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे उलट नाले का पानी ही स्कूल के खेल मैदान में भर गया, जिससे वहाँ बड़ी बड़ी घास उगाई और बच्चों के मैदानी खेल बंद हो गए। नाले के आसपास स्थित मकानों में नाले का गंदा पानी आने से मकानों में सीलन और पानी रिसाव की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया सामग्री की वजह से कई जगह नाले की दीवार ही टेढ़ी हो चुकी है जो कभी भी गिर सकती है। खुद कांग्रेस सरकार के पार्षद रहते हुए उन्होंने फायदा उठाया है और नाले में जितनी भी सामग्री इस्तेमाल की गई, घटिया इस्तेमाल की, एमएलए मैडम ने जब से उनको फटकार लगाई है अधिकारियों को, तो उसके बाद में ठेकेदार द्वारा लिपा पोती का कार्यक्रम अभी चल रहा है। उधर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि एसएमसी की बैठक में ठेकेदार ने विश्वास दिलाया था कि स्कूल में जलभराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन अब तो खेल मैदान ही तलाई बन गया है, जिससे बच्चों का खेल बंद हो गया है और उन पर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नाले का निर्माण कराते समय लेवल का ध्यान रखा गया, फिर भी कहीं न कहीं लेवल अप होने की वजह से ग्राउंड का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए नाला मैदान के लिए समस्या बन गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि निर्माण में अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत के बावजूद नगर परिषद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। नगर परिषद के एक्सीएन तरुण बाहेती का कहना है कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो निर्माण की गुणवत्ता की जांच करेगी। संबंधित ठेकेदार को नोटिस भी दिया गया है, उसको पुनः उसको तोड़ के ठीक करने अथवा जहां आवश्यकता होने पर प्लास्टर करने हेतु निर्देशित किया है और इसमें एक जांच कमेटी भी माननीय वित्तीय गृहमंत्री मैडम की अनुशंसा पर गठित की जानी है। उम्मीद कीजिए कि नगर परिषद का जांच का दावा सिर्फ आश्वासन तक सीमित नहीं होकर भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। तो वही जलदाय विभाग में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भारी ब्लैक मनी अर्जित करने के अहम सबूत मिले हैं। पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और संजय बड़ाया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने चौंकाने वाले बयान दिए। अपने चाहते अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग देने के लिए ठेकेदार मोटी घूस देकर अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग करवाते रहे। इस मामले में तत्कालीन अधिकारियों ने काफी अहम सबूत प्रवर्तन निदेशालय को सौंपे हैं। इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने पूर्व जलदाय मंत्री के करीबी रहे संजय बड़ाया से भी पूछताछ शुरू की है। अगली खबर अजमेर से, जहां पर कांग्रेस में एक बार फिर से आपसी कलह उजागर हो गई। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को हटाने की मांग को लेकर 18 में से 15 पार्षदों ने विश्वास प्रस्ताव लाकर आला कमान को चेतावनी दे दी है।
अगर 10 दिन के भीतर आलाकमान ने नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली को नहीं हटाया तो फिर पार्षद खुद अपना नेता चुनने को मजबूर होंगे। आपको बता दें, द्रौपदी कोहली ने अजमेर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो कुछ मार्जिन से ही अनीता भदेल से हारी थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों और संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए आज की फाइट। नमस्कार।